बेगम ये मेरा बचपन का दोस्त है, तो आज ना हमारी तरफ ये दावत पे आया। दावत? ये कोई होटल है जो मुंह उठा के उसको अंदर ले आए हो? और वो भी ऐसा निकम्मा लग रहा है, मुझे मुंह उठा के यहाँ पे अंदर आ गया। दावत करनी होती ना तो 3-4 दिन पहले बताते हैं। और मैं इस घर में ना तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी नौकरानी नहीं होगी। मुंह उठा के तुम्हारे दोस्तों की खातिर तवाज़ा करो। एक बच्चा है मेरा, उसको छोड़ के मैं अब दावत पकाने के लिए लग जाऊँ? दफा जाओ यहाँ से। मुंह उठा के यहाँ पे खड़े हो गए हैं दोनों। भाई तू शादी करने जा रहा था ना, ये मैंने तुझे छोटा सा डेमो दिया, पिक्चर अभी बाकी है। क्या बोले आपने? सर 2 मिनट वेट करो, मैं आपके पापा को जरा सेट कर लूं। जोरू का गुलाम, जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। तेरे मुखड़ी का काला काला तिली में मेरा कट के ले गया दिल में। नीलम आ गए आप, और ये क्या लेके आए हैं? ये मैं अपनी जान के लिए इतने प्यार से गिफ्ट लेके आया हूँ। आज चांद कहाँ से निकल आया, जरा दिखाएंगे? ये लो आपके, ये सब कुछ। ओ वाओ, 3-4 गिफ्ट्स। हैरियत तो है, कहीं कोई डाका शाका तो नहीं मारा? डाका तो आपने मारा है मेरे दिल पे। अच्छा बस करें, इतने मस्के ना लगाएं, और मुझे ये बताएं कि आपके पास इतने पैसे आए कहाँ से? यहाँ से आए हैं। ओडुल, ये क्या चीज है? ये वही गेम है जिसकी वजह से हम हर वक्त लड़ते रहते हैं, लेकिन इसमें तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं, क्योंकि तुम्हें इसके फायदों का ही नहीं पता। गेम खेलने का कोई फायदा नहीं होता सिवाय टाइम वेस्ट होने के, और कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ से बहुत कुछ मिलता है। अच्छा तो जरा डिटेल में बताएं क्या क्या। देखो यार, सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले आपने करनी है गेम इंस्टॉल, और उसके आपको मिलते हैं जेम्स। उसके बाद आपने करने हैं लोगों के साथ मैचेस, और मैचेस जीतने पे आपको और ज्यादा जेम्स मिलेंगे, और उनको आप विड्रॉ भी करवा सकते हो ओ पोर्टल के थ्रू। वाह जी वाह। और हाँ, सबसे जरूरी बात तो मैं बताना ही भूल गया, आप इन जेम्स को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, और वो इन जेम्स को यूज करके कैश विड्रॉ भी करवा सकते हैं। कितने निकम्मे आप, काम की बात हमेशा एंड पे बताते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, अब आपको मैं बिल्कुल तंग नहीं करूंगी। आप जितनी मर्जी गेम खेलें, ज्यादा से ज्यादा जेम्स कलेक्ट करें और मुझे सेंड करें, मैं उनको विड्रॉ करवाऊंगी और शॉपिंग करूंगी। ये क्या बात हुई, आप अपने फोन पे खेलो ना। तो आपको मैंने किस काम के लिए रखा हुआ है? अभी मैं अपने मोबाइल में भी ऑर्डर डाउनलोड करके इंस्टॉल करती हूँ, अकाउंट बनाती हूँ, और मेरे अकाउंट से भी आप ही खेलेंगे ताकि ज्यादा जेम्स आए और मैं ज्यादा कैश विड्रॉ करवा सकूं। चलें। तुम्हें तो बताने नहीं चाहिए था। चलें ठीक है, मैं करती हूँ आपसे बात। हाँ ये भी ना उठ जाए। यार आज बहुत काम था ऑफिस में, मैं तो थक गया हूँ। सो रहा है मेरा बेटा। आए लो बेटो सोया हुआ है। तुम पागल तो नहीं हो गया? आराम से बोलो, इतना ख्याल है तो। आराम से ही बोल रही हूँ मैं, अगर आपको इतना ख्याल होता ना तो वो कब का रो रहा है, उसको अभी तक गले लगा लेते, चुप करवा लेते। लेकिन नहीं, आपने तो मेरे साथ बहस करनी है। वैसे मैं देख रही हूँ कि कुछ दिनों से ना आप कुछ ज्यादा ही मेरे साथ जबान चला रहे हैं। अच्छा मेरी माँ करा देता हूँ चुप। तो आप इतना ओके क्यों हो रहे हैं? बच्चा हमारा ये कोई, हम ये नेट से डाउनलोड नहीं करके लाए हुए। यार ये मुझे लग रहा है इसका पैंपर चेंज होने वाला है। तो अगर आपको लग रहा है कि पैंपर चेंज होने वाला है तो उठ के कर दे। अच्छा ये मेरा काम है ना? नहीं तो क्या ये मेरे अकेले की जिम्मेदारी है? ये हम दोनों का बच्चा है और ये हम दोनों की जिम्मेदारी है। हद हो गई आपकी, वो तो आप सारा दिन नवाबों की तरह एसी में बैठे रहते हैं ऑफिस के अंदर, घर आते तो यहाँ पर भी एसी चल रहा होता है, और मैं मुझे पूछे मैं सारा दिन किचन में भी सड़ती हूँ गर्मी के अंदर, इसको भी देखते हो, आपके अम्मी अब्बू की भी सेवा करती हूँ। यार क्या हो गया, इतनी सी बात का इतना बड़ा इशू बना रही हो तुम? मैं इशू बना रही हूँ? मैं तो तब से कुछ बोल भी नहीं रही हूँ, आप ही बोली जा रहे हैं, मुझे डांटी जा रहे हैं, और आप आके कह रहे हैं कि मैं इशू बनाती हूँ। तो ठीक है, आज के बाद आप मुझे बेगम मत कहिएगा, मेरा नाम इशू रख दे। मेरे फ्रेंड्स के हस्बैंड्स को जाके देखिए, वो लोग सारा सारा दिन अपनी बीवियों के साथ किचन में काम करवाते हैं, आज आपको एक काम करना पड़ गया तो आपने मुझे जलील कर। रो क्यों रही हो तुम? तुम्हें काम करो, तुम आराम से सो जाओ, मैं इसको चुप भी करा दूंगा, इसको नहला भी सुला भी दूंगा, ठीक है? तुम रेस्ट करो मेरे जान। इनको ऐसे ही डील करना पड़ता है।
अरे अम्मा क्या करी जा रही हो, जब से आई हो मोबाइल के अंदर टुश 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 लगी हो। आए हाय तब्बो, तुझे क्या पता होवे, मेरे तो दिन बदल गए। अरे अम्मा तेरे कैसे दिन बदल गए, क्या कर लिया तूने, मुझे भी तो बता, तू तो मेरे सर पे थी। चल 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 चल, अम्मा ना होवे अब किसी की, अम्मा तो सिर्फ ओडल की होवे है। अरे अम्मा तू भी इसकी होके रह गई, वो भी इसका होके रह गया, तो मैं किसकी बनूं, मैं किधर को जाऊं। एकल मोही, तू भी ओडल की हो जा, इंडिपेंडेंट गर्ल बन जा। अरे अम्मा पता है मुझे इस ओडल गेम का, जिसकी तू होके रह गई है इसमें तो जेम्स मिलते हैं, उसको ओ पोर्टल से निकलवा भी लेते हैं बंदा पैसे की सूरत में। ये निकलवा के मेरे लिए गिफ्ट लेके आया था ना तीन चार। जेम्स के अलावा भी इस गेम में बड़ा कुछ है, आप इस गेम में सारी बट्टियों के साथ भी खेल सकते हो। अभी दो दिन पहले मेरी बुशरा सारी के साथ गेम लगी हो। अरे वाह अम्मा। अरे ये देखो मैं मैच खेल रही हूँ ना, तो इसके अंदर मीमी भी होती है, जैसे ही मैं इसकी गोटी मारूंगी ना तो मैं इसको मीमी से चिढ़ाऊंगी। जैसे कि ये देखियो, ये आमिर लियाकत की मीमी। ओफ, ओफ। मुझे तो उसकल मुहे ने बताया ही नहीं। अरे इसके अलावा इसमें और भी बड़ा कुछ है, तुम किसी के साथ भी पर्सनल चैट भी कर सकती हो। तुझे पता है तेरे अब्बा दुबई होवे, वहाँ पे वीपीएन लगा के कॉल करनी पड़ती थी, मैंने तेरे अब्बा को बोला तू ऑर्डर डाउनलोड कर ले, अब हम दोनों गेम में ही पर्सनल चैट करते हैं। तुझे पता तू कितनी नखरीली है और तेरे कितने नखरे हैं, तुझे कोई भी नॉर्मल चीज पसंद ना आवे, इसलिए इन्होंने गेम के अंदर ये देख डिफरेंट किस्म के डैशबोर्ड भी रख दिए हैं। जैसे कि ये देख, तू इधर आ, अपनी मर्जी का कोई भी डैशबोर्ड सेलेक्ट कर ले। अरे वाह अम्मा, मैं तो उसी रंग का डैशबोर्ड सेलेक्ट करियो जिस रंग के मैंने कपड़े पहनी। अरे मैं इसको भी जरा दो मिनट साइड पर रखती हूँ और तुझे और इंटरेस्टिंग बातें बताती हूँ, तेरे उस खट्टे बंदे ने तुझको नहीं बताया। इसके अंदर होते हैं प्रीमियम मैचेस, उन प्रीमियम मैचेस का फायदा ये है कि जेम्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। सोचो अगर तू ज्यादा जेम्स जीते ओ पोर्टल के थ्रू ज्यादा पैसा निकलवावे, जब तेरे पास ज्यादा पैसा आ जावे फिर तू एक प्रीमियम टिकट खरीद लेवे, उसका फायदा ये होवे कि लकी ड्रा में हजारों की तादाद में जेम्स होवे। सोच तू लकी ड्रा जीत जावे, तेरे पास हजारों की तादाद में जेम्स आ जावे, जितने ज्यादा जेम्स उतना ज्यादा पैसा, तेरी तो जिंदगी बदल जावे, फिर तू बब्स के लिए भी कुछ बना लिए। अरे कल मोही बब्स उठ गया होगा, ले आ दो तेरे को मेरे, मैं गोद में बिठा के थोड़ा लाड प्यार कर लूं। अरे अम्मा तू तो मेरा सारा डिप्रेशन निकाल दियो, अभी लेके आई मैं अपने बब्स को। हाय सदके जाओ, मेरा दौतरा आ गया। हाय मां सदके जाए, कितना सोना है। अल्लाह, अरे तू क्या मेरी तरफ देखे है, जल्दी जा कुछ खाने को लेके आ, भूख से मेरी जान निकल जावे है। और तू तो मेरे बब्स में अभी इल्जाम तराशी करे, वो तो इतना अच्छा बच्चा है, ना कुछ बोले है ना रोवे है। अच्छा अच्छा मैं जा रही हूँ। सम्मी उठे ना, वो रो रहे। यार क्या हो गया, मैंने सुबह ऑफिस जाना होता है, तुम उठ गई थी तो उसको चुप करा लेती ना, मुझे क्यों उठा रही हो। वाह जी वाह, बड़ी तुम्हें ऑफिस की फिक्र है ना रात के 3 बजे, और बीवी बच्चों का तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं है, उठ के उसको 5 मिनट चक्कर लगवा लो, तुमने जैसे ही उठना उसने चुप हो जाना है, वो मेरे पे गैप तुम्हारे पे नहीं गैप बेफैज। हद हो गई है, अब ना रोए, वो उठ के उसको चक्कर लगवा, मैं सोने लगी। अच्छा यार मुझे क्या पता था लव मैरिज करके ये हालत होनी है, अगर आपका भी कोई दोस्त इस जाल में फंसने जा रहा है ना तो अभी उसको ये वीडियो दिखाएं और अपनी दोस्ती का हक अदा करें। सुन रही हूँ मैं सारा कुछ। आप सोचें